साम्राज्य दुनिया के दो तिहाई हिस्से में फैला हुआ था। अंग्रेजी राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, और एक दिन जब देश का जनमानस उसके सामने उठ खड़ा हुआ तब एक नई क्रांति का दौर चल पड़ा। अंग्रेज सरकार की नजरों में हम सब एक दास और गुलाम की तरह हैं। कोई अंग्रेज बाहर सड़क पर निकलता था किसी जिले में शहर में, तो अपेक्षा करता था हर आदमी उसको सलाम करे। जो सलाम नहीं करता था, कोड़ों से उसकी खबर ली जाती थी। जरा सा भी किसी ने कुछ कहा और उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। तो एक आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। इतिहास का ये पहला आंदोलन था जबकि गांधी जी ने सत्ता परिवर्तन के लिए अहिंसक असहयोग क्रांति की आवाहना की और विदेशी वस्त्रों के त्याग की बात की। मगन जी। हाँ जी। देखा है इधर बाबा स्थिर चित्त नहीं, वे काफी उद्विग्न हैं। क्यों? सुना नहीं गांधी जी ने विदेशी कपड़ों के त्याग का आह्वान किया है? सारे देश में आग लगी है, जगह जगह विदेशी कपड़े जलाए जा रहे हैं। बाबा को भी अपनी माँ की याद से मुक्ति पानी होगी। मुझे समझने की कोशिश करो माँ। बाबा को भी अपनी माँ की याद से मुक्ति पानी होगी। क्यों? वो साड़ी जिसे वो सिर के नीचे रखकर बरसों से सोते आ रहे हैं, उसे बाबा को भी त्याग करना पड़ेगा। किस लिए? इसलिए कि वो साड़ी विदेशी है, उससे उन्हें भी मुक्ति पानी होगी। जेथे जातो तेथे तू माझा संगाती, चालवी सिहाती धरोनिया। जेथे जातो तेथे, जेथे जातो तेथे। माँ, ये दुकान का अभंग है ना? अरे बदमाश कहीं का, अभी तक सोया नहीं तो? चल सो जा। अगर सो गया तो तुम्हारा भजन कैसे सुन पाऊंगा? अच्छा तो नींद आए इसलिए भजन सुनते हो, और भजन सुनो तो नींद नहीं आती। माँ एक एक और भजन गा दो फिर मैं सो जाऊंगा सचमुच। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ एक। हाँ। और कल दादाजी ने मंदिर में कीर्तन आयोजित किया है, वहाँ सुन लेना जी भर के। अब सो जाओ। माँ गाओ ना। धनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे ऋण झुणा। भवतार गुहा कान्हा, वेगे भेट वागा। धनु वाजे घुणा घुणा, वारा वाहे ऋण झुणा। भवतार गुहा कान्हा, वेगे भेट वागा। विनु
ये ज्ञानोबा माउली का अपंग है। माँ, ये स्वदेशी खादी का व्रत मैंने लिया है, मन में ठान ली है कि यह खादी केवल वस्त्र नहीं, वह एक विचार है, आजादी की लड़ाई का वह गणवेश है। इसीलिए मुझे तुम्हारी इस याद का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह वस्त्र खादी का नहीं, स्वदेशी नहीं। शायद इस वस्त्र की माया ही वह वजह है जिसके कारण मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा, व्रत के आचरण में बाधा आ रही है। माँ, तू मुझे जरूर समझ पाओगी। देती हूँ तुझे खाना। चल। अरे तुलसी को पानी दिया? पहले तुलसी को पानी दो, फिर खाना मिलेगा। तो विनोबा जी के जीवन के बारे में जो पुस्तक बनी उसका शीर्षक ही चुना गया अहिंसा की तलाश। अहिंसा की तलाश ये जो किताब बनी है वो विनोबा जी ने कोई डिक्टेट नहीं की है, उन्होंने कोई ये सोचकर कहा नहीं कि अपनी जिंदगी की कुछ घटनाएं बतानी है, तो उन्होंने कभी लिखी तो नहीं ही, लेकिन कही भी नहीं है हेतुपूर्वक या कुछ सुसंगत ढंग से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात है कि उन्होंने कुछ ताले में बंद करके भी नहीं रखा है, सब लुटा दिया। कि मान लीजिए कि गागोदे गांव के लोग आकर बैठे, उनके साथ कुछ चर्चाएं चल रही है, उन्होंने कुछ संस्मरण सुनाए, तो अब वो भी आ गए मूड में और फिर बोलने लगे। कोकण महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है गागोदे, हमारे दादा इनामदार थे, घर बड़ा था, घर के सामने बड़ा आंगन था। मेरे जीवन के 9 साल उस घर में, उस गांव में बीते। विनायक का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ। पिताजी योगी थे, गणितज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, उनका सारा काम वैज्ञानिक ढंग से चलता है। फादर जो थे वो साइंटिफिक माइंड के आदमी थे, उन्होंने वो रंग अंग के भी प्रयोग करते थे, और मगनवाड़ी आए तो उन्होंने कुछ सजेशंस वगैरह कागज आगज बनाने के वास्ते भी दिया। पिताजी ने छोटे छोटे तौलिया तैयार किए थे जिन पर आ से लेकर ज्ञा तक सब अक्षर घर में ही छाप लिए थे। हम स्कूल की किताबें इसमें लपेट कर ले जाते। विनोबा की माँ बहुत धार्मिक व्यक्ति थी, तो वो पुरंदर दास के भजन भी गाती थी, कर्नाटक के महाराष्ट्रियों के भी गाती थी। एक दफा विनोबा ने उनसे कहा कि हम तो चाहते हैं रोज आपसे एक नया भजन सुनना, तो शायद 6 महीने तक उन्होंने नए भजन सुनाए, और उनको विनोबा की बुद्धि पर बड़ा विश्वास था। वो जैसे कि कुछ चावल आवल अलग करके वो करती थी। ये तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, और क्या तुम एक एक करके क्या गिन रही हो? अरे भगवान को चढ़ाना है तो क्या हुआ,
सौ चावल गिनकर तौल लो, उसी हिसाब से भी तुम्हारी पूजा पूरी हो जाएगी और तुम्हारा श्रम और समय दोनों भी बच जाएंगे। ठीक कहते हैं। बताऊं, एक एक चावल गिनते हुए नाम लेने से भगवान का नाम भी होगा और सहस्त्र नाम की पूजा भी पूरी होगी। पिताजी की संगीत में रुचि थी, 14-14 घंटे रियाज करते थे। बहुत पुराना शास्त्रीय संगीत लुप्त न हो जाए इसलिए दो किताबें, नादर खां का मृदंगबाज और शेख रहमत अली की ठुमरी संग्रह अपने ही खर्चे से प्रकाशित की। विनोबा अस्वादित है सुनो, किसी रोज दाल में नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया तो विनोबा खा जाएंगे, दूसरा खाएगा तो कहेगा कि नमक ज्यादा है, तो वो उनकी माँ कहेगी तुमने बताया ही नहीं किसमें नमक ज्यादा था या इसमें नमक नहीं था। मगर विनोबा को उसकी चिंता कतई नहीं थी। तो विनोबा की माँ और अब विनोबा उनसे भी तर करते थे। चुटपन में माँ शाम का समय था, उस समय एक मराठी में पंडती कहते हैं दिया, उसको लेकर के घर में जा रहा था। तो माँ ने कहा तो देखो इसको संभाल करके ले जाना, नहीं तो वो गिर जाए तो अशुभ मानते हैं। तो मीना ने पूछा माँ अशुभ मैंने क्या, तो माँ ने कहा तो अशुभ मैंने कुटुंब के कोई ना कोई कोई मरने की संभावना होती है। तो न ये सुनते ही विनय ने हाथ में जो दिया था वो फट कर नीचे डाल दिया, वो फूट गया। तो एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, आठ दिन हुआ, तो फिर माँ के पास आकर के पूछा माँ 8 दिन हो गया घर में कोई मरे तो नहीं है। तो माँ ने कहा, माँ तो बहुत चतुर थी, माँ ने कहा देखो जानबूझ करके अगर तोड़ डालोगे तो उसमें अशुभ नहीं होता है, अगर घबराहटपना से वो गिरेगा तो उस समय वो होता है, ऐसा माँ बहुत चतुरता से उनको समझा। विनोबा जी जब छोटे थे तो रोजाना पिताजी की मार खानी पड़ती थी, कुछ न कुछ गलती उनसे हो जाती थी, शरारत हो जाती थी, या पिताजी जैसा चाहते थे कि बहुत ढंग से सारी चीजें रखी रहनी चाहिए, कपड़े किताबें वैसा नहीं पाते तो पिटाई होती। एक दिन उन्होंने माँ से पूछा माँ तुम क्यों नहीं पीटती मुझे, तो माँ ने कहा बेटा उधर से तुझे कोई कम मार पड़ती है जो मैं और उसमें और बढ़ा दू। मीनिया लालटीन के सामने पढ़ रहा था तो पिताजी ने कहा मीनिया तेल खत्म हो रहा है इसलिए तेल डालना उसमें। तो मीनिया ने कहा तो आहे मैंने है तेल है। तो 2 मिनट हुआ तो बुझ गया। तो पिताजी ने कहा देखो मैंने कहा था कि नहीं, तो मीनिया ने उत्तर दिया आपने जिस क्षण कहा था उस दिन उसमें उस समय उसमें तेल था। तो फिर पिताजी हंस पड़े, तो उन्होंने कहा वो बहुत वैज्ञानिक थे, जिस ढंग से उनको ऐसे लोगों को समझाना वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा देखो विनिया अभी यहाँ से 2 मील दूर है स्टेशन, कोई वहाँ यहाँ से तुम जा रहे हो तो कोई आकर के पूछता है तो गाड़ी आने के लिए समय है ना, 5 मिनट समय है गाड़ी आने में, तो तुम अगर कहोगे है समय है तो वो पहुंच सकेगा क्या, इसलिए उनको अभी समय नहीं है ऐसे तो बताना होगा। घर का वातावरण भक्तिमय था, विनया के दादा दादी माँ उसे कहानियां सुनाते रामायण की महाभारत की, और ये कहानियां सुन सुन कर उसका बाल मन बहुत कुछ संस्कार पाता। 7 साल का लड़का माँ के गागोदे में
माँ कहीं दिखाई नहीं दिया घर में, तो पूछा कहाँ माँ, माँ कहाँ गई है, तो माँ पेंड गई थी, करीब 7 मील दूरी पर पेंड, थोड़ा बड़ा गांव था, वहाँ पर गई थी। उनको पता चला, बस बिल्कुल खुले बदन में, कोई किसी को कहा नहीं, वहाँ से सीधा 7 मील तक पैदल गया। ऐसा पूछता हुआ बालक मिनिया एक घर से दूसरे घर तक दौड़ता गया, और जब एक घर में उसने अपनी माँ को देखा, माँ एकदम चौंक गई, मिनिया तुम यहाँ कैसे आए? मैं गांव से चला आया और तुमने देखा नहीं, माँ के आंखों के सामने उस सड़क की तस्वीर खड़ी हुई, जिस जंगल की राह, जिसमें जगह जगह कुएं, कुएं में मेड़ नहीं, कहीं भी विनिया गिर सकता था। माँ ने उसको एकदम गोद में ले लिया, कहा बेटा तुझे डर नहीं लगा, तू कैसे आया? माँ तू दिखी नहीं, मैं चला गया। मैं लड़के के बारे में तो बड़ी ऊंची राय रखती थी, बड़ा विश्वास था उनके अंदर, उनकी योग्यता पर इतना विश्वास था, उन्होंने कहा कि हम गीता पढ़ना चाहते हैं। विनिया, विनू बेटा। हाँ माँ। विनू देखो, ये गीता संस्कृत में है, पठन तो होता है पर अर्थ नहीं समझता, तो जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसे मराठी में फिर से लिखना। क्या मैं लिख पाऊंगा भाई? हाँ हाँ, तुम लिखोगे, तुम जरूर लिखोगे एक दिन। विनोबाजी की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी? विनोबाजी हमेशा कहते थे मेरी माँ मेरी आचार्य थी, क्योंकि माँ ने जो शिक्षण दिया इस दुनिया में किसी ने नहीं दिया। ये ब्रह्मचर्य का आइडिया विनोबा ने असल में रामदास से सीखा। रामदास स्वामी जो थे वो ब्रह्मचारी रहे थे। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माझे अपराध क्षमा कर। कांच की चिड़िया क्यों पहनती है? बेटे अगर ये धातु की होती तो शायद काम करते समय में लापरवाह बन जाती। अच्छा माँ, समर्थ रामदास जिस तरह घर छोड़ के चले गए उसी तरह मुझे भी जाना है। ईश्वर इच्छा बलिये से, आत्मनिवेदना से लक्षण आदि पावे मी गुण, मग परमात्मा निर्गुण ओळखावा। बेटे गृहस्थ आश्रम का अच्छी तरह से पालन करने पर माँ बाप तर जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का सही तरह से पालन करने पर 42 पीढ़ियां तर जाती हैं। मैं पुरुष होती तो तुम्हें बताती कि वैराग्य क्या होता है। किसकी चिट्ठी है, कौन है ये गांधी? पता नहीं, मालूम कर लूंगा। अजीब तरह से लिखा है। लिखते हैं, आपका विनोबा हमारे आश्रम में है, इसने आपको एक अरसे से पत्र नहीं लिखा है। इतनी कच्ची उम्र में जो कुछ ज्ञान और साधना में अर्जित किया है उसे पाने के लिए दूसरों को वर्षों तक लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है ये आश्रम के लिए कीमती धरोहर होगा। यहाँ आश्रम में सब लोग कुछ न कुछ लेने के लिए आते हैं, परंतु ये युवक देने के लिए आया है। अच्छा, तो विनायक अभी आश्रम जा पहुंचा? जहाँ भी जा पहुंचा है विनायक सोच समझ कर जाएगा, मुझे विश्वास है।
गलत रास्ते पर नहीं जाने वाला। मुझे भी यकीन है। विनोबा को क्या आध्यात्मिक संस्कृति परिवार से मिली, अरविंद के भी अध्ययन से मिली, ब्रह्मचर्य रहने का, ब्रह्मचारी जीवन बिताने का और दुनियादारी से मुक्त होने का निर्णय तो वो 16 साल के हुए उसके पहले ही ले चुके थे। यानी वो जब बड़ौदा पढ़ने गए थे अपना घर छोड़कर, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें ब्रह्मचर्य में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। और उनकी माँ भी जानती थी कि विनया ने ये व्रत ले लिया है। तो देश की भक्ति परंपरा, देश की संत परंपरा और देश की मुक्ति परंपरा, इन तीनों में ही विनोबा का जितना विश्वास था उतना शायद पराक्रम में विश्वास नहीं था। घर की त्याग की बात, जिसको वो कहते थे कि ब्रह्म को प्राप्त करना, ये जो भावना थी ये उनके अंदर थी। और वो इम्तहान देने इंटरमीडिएट का बंबई जा रहे थे तो उन्होंने घर वालों को सूचित नहीं किया, अपने एक मित्र से कहा कि अब हम तो जा रहे हैं और तुम घर वालों को बाद में सूचित करना। और वो वहीं से 20 से अलग हो गए और उनके साथ दो लड़के और थे, वो तीनों बनारस चले गए थे। उसमें से एक तो बाद में अपने घर वापस चला गया था, मगर एक जो था वो उनके साथ रहा, उसका मरा वो और फिर उन्होंने उसका कर्मकांड भी वहाँ पर किया। और जिस प्रकार से उन्होंने कर्मकांड किया था उससे ये जाहिर होता है कि विनोबा जो थे वो दकियानूसी विचार के नहीं थे। काशी में दुर्गा घाट पर रहकर विनोबा जी ने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। उस समय चारों तरफ एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी। एक भाषण हुआ था, कोई मोहनदास करमचंद गांधी नाम के व्यक्ति आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के अवसर पर। विनोबा उस भाषण के बाद में पहुंचे थे बनारस, और मगर उसकी चर्चा होती थी। इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा तो गांधी जी ने उसका जवाब दिया। जब जवाब दिया तो इन्होंने फिर कुछ प्रश्न उनसे पूछे, तो गांधी जी ने ये सोचकर कि इस तरह से तो एक सिलसिला लगा रहेगा, उन्होंने उनको अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। विनोबा जो थे उन्होंने वहां जाना स्वीकार किया। गांधी जी ने अपने आश्रम में नए आए हुए युवक विनायक भावे को धर्म शिक्षक नियुक्त किया। फिर गांधी जी को जब पता चला कि ये युवक विनोबा अपने माता पिता को बिना बिताए घर से भाग आया है, तो उन्होंने विनोबा जी के पिताजी को चिट्ठी लिखी। लेकिन उस समय तक गांधी जी का नाम बहुत लोग जानते नहीं थे कि ये कौन है। तो इसी बीच विनोबा जी ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी कि गांधी जी कौन है और वो कहाँ आए हैं। कैसी अजीब बात है। क्या हुआ? विनायक को तिलक के प्रति आकर्षण था। वो हिमालय जाने के लिए घर से गया था बैरागी संन्यास, और कहा उसे गांधी जी मिल गए। वो मिलना भी कैसा, देखो ना लिखता है। मेरे प्रश्नों के जवाब में गांधी जी ने लिखा, आपने जो प्रश्न उठाए वे बहुत ही मूलभूत है और ऐसे प्रश्नों पर विचार पत्रों द्वारा नहीं हो सकता। आप यहाँ आए तो चर्चा हो जाएगी। और देखिए ना, विनु लिखता है, माँ मैं बापू के पास पहुँचा और मुझे वहाँ हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। उस क्षण से शांतिमय क्रांति के काम को मेरा जीवन समर्पित हो गया। और देखिए ना कैसा चंट है अपना विनायक, लिखता है, मैं नहीं जानता बापू ने मेरी परीक्षा ली थी या नहीं, पर माँ मैंने मन ही मन उनको जांच लिया था। अगर वे मेरे सामने खड़े न उतरते
तो मैं उस आश्रम में नहीं ठहरता। वो जो कुछ भी है वो तुम्हारे असर के कारण ही तो है, तुम ही तो उसकी पहली गुरु हो। बचपन से ऐसा ही है मेरा बिनु, उस पर दादाजी के भी संस्कार थे। गांधी जी के आश्रम में पहुंचकर बिनोवा चुपचाप अपने रचनात्मक कार्य में लगे रहे और उस जमाने की उनकी केवल 3 तस्वीरें ही मिलती हैं और इसलिए ये कहना बहुत ही कठिन है कि वे बचपन में कैसे दिखते रहे होंगे। रही शरारत और मार खाने की बात, वो जमाना ही ऐसा था, ब्रिटिश हुकूमत का जमाना, जब हर बाप ये चाहता था कि उसका बेटा बहुत अनुशासित रहे और बच्चे शरारत करते थे और मार खाते थे। हमने भी शरारतें की हैं, मार खाई हैं और बिनोवा जी भी ने मार खाई है। अब आप देखेंगे उनके माता जी की साड़ी की दास्तान। वे माता जिनको वे अपना पहला गुरु मानते थे और जिनकी वजह से विनायक बिनोवा बने, उनकी उस साड़ी का त्याग क्योंकि वो विदेशी थी। आप ये भी देखेंगे उनके स्कूल की घटनाएं और जब वे अपने दादा के गांव गागोदे से बड़ौदा पहुंचे उस समय उनके साथ स्कूल में और रोचक घटनाएं घटी, उन घटनाओं का भी आप अवलोकन करेंगे।